हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखते क्या बनाते हैं आज हम अपनी किचन में। तो आप देख रहे हैं, तो ये है छोटा कटहल, जो बेबी कटहल होता है वो है। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से, झटपट तरीके से हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टी के साथ ये हेल्दी तरीके से भी बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और ना ज़्यादा मसाला पीसने की झंझट। खड़े मसालों से ही प्याज लहसुन सब कुछ जो इसमें हम यूज़ करेंगे, वो सब खड़ा ही रफली चॉप्ड हम यूज़ करेंगे, इसको ग्राइंड नहीं करेंगे। तो झटपट तरीके से और बहुत ही टेस्टी हेल्दी रेसिपी हम तैयार करेंगे आज कटहल की। और ये जो छोटा कटहल होता है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कटहल बनाने के लिए लेंगे कुकर, और कुकर में हम 2 छोटी चम्मच तेल ऐड करेंगे। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटहल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो कटहल है वो छोटा कटहल है, और कटहल को हमने इस तरीके से पीसेस में कर लिए हैं, और करके हमने अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें कटहल को हल्का सा सौते करना है। यहाँ पे डीप फ्राई हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो तेल हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो इतना कि जो एक जो पूरा कटहल हमने यूज़ किया है उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए, बस इतना ही हमें तेल यूज़ करना है। और जिस हिसाब से आपने कटहल यूज़ किया है उसी के हिसाब से आप तेल यूज़ करिए। तेल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी कोटिंग तेल के कटहल के ऊपर आ जाए कि वो सौते हो जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप बना के देखिएगा। तो यहाँ पर बस हमने हल्का सा इसको सौते कर लिया है, और अब हमने कटहल को निकाल लिया है, और फिर से कुकर में हमने तेल ऐड किया। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें जीरा ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 2 से 3 पत्ते हमने तेज़पत्ता यूज़ किए हैं, 2 खड़ी लाल मिर्च यूज़ किए हैं, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग ऐड करी हैं, और खड़ा हमने साबुत जो है वो धनिया ऐड किया है, सूखी धनिया। यहाँ पे जो भी अभी हमने मसाले ऐड किए सब खड़े ऐड किए हैं, और काली मिर्च का हमने यूज़ नहीं किया है। अगर आप साबुत यूज़ करना चाहते हैं तो साबुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का हम बाद में पाउडर ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने साबुत यहाँ पे काली मिर्च नहीं ऐड करी है। इन मसालों को अच्छे से हम सौते कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड लहसुन, 2 से 3 कलियाँ हमने लहसुन की चॉप्ड कर ली थी, और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम यहाँ पे रफली चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे। और प्याज को यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इतना भूनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए, बाकी हमको उसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो फिर वो जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम प्याज को बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हल्का सा कलर प्याज में आ गया है। तो अब हम ऐड करेंगे 2 छोटे साइज के टमाटर। 2 छोटे साइज के टमाटर हमने ऐड किए हैं। टमाटर हम इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे सब्ज़ी में, बस छोटे साइज़ के हल्का सा फ्लेवर के लिए और कलर के लिए हम यूज़ करेंगे। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि टमाटर ऐड किए हैं तो इससे ये होगा जल्दी से जो प्याज टमाटर है वो नमक ऐड करने से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इसको हम मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इससे ये होगा कि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हमने ढक के पका लिया है, और आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, और टमाटर और प्याज ने मसालों ने अपना जो तेल है वो भी रिलीज़ कर दिया है। तो थोड़ा सा अभी हम इसको और भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है प्याज और टमाटर। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैश करेंगे, जिससे ये जो सारी चीज़ें प्याज टमाटर है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हल्का सा स्पैचुला से आप इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने मसाले यूज़ किए हैं वो खड़े यूज़ किए हैं, तो इसलिए इस तरीके से जब मिक्स करेंगे तो ग्रेवी जो है वो अच्छी तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच ऐड किया है, और 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे मीट मसाला ऐड किया है, 1/2 छोटी चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। जो यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये कड़वी बिल्कुल भी नहीं है, तीखी बिल्कुल भी नहीं है, बस कलर के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और एक छोटी चम्मच हम यहाँ पे किचन किंग मसाला यूज़ करेंगे, तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमने मीट मसाला यूज़ किया है वो बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं है, ये वेज है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा है जो आप लोग नहीं खा सकते हैं, पूरी तरीके से ये वेज है, वेजिटेरियन वाला मसाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मसाले मिक्स करके इसको हमने ढक के 2 मिनट तक पका लिया था, जिससे जो मसाला हमने ऐड किया है वो कटहल में अच्छी तरीके से जो फ्लेवर है पूरा अच्छी तरीके से घुस जाए, इसलिए हमने 2 मिनट के लिए उसको ढक के पकाया था। और उसके बाद हम इसमें जितनी भी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना हम पानी ऐड कर देंगे, और जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें लेड लगाएंगे। तो यहाँ देखिए उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें लेड लगा देंगे और इसमें हम जो 2 विसल लगाएंगे, और इसके बाद हम एयर इसका निकाल देंगे, मतलब निकालेंगे नहीं, वो अपने आप निकल जाएगा, उसके बाद ही हम लेड हटाएंगे। तो 2 विसल लगाई हैं और यहाँ पर देखिए कटहल जो है वो पूरी तरीके से पक चुका है, ना ओवर कुक हुआ है और ना अंडर कुक है, परफेक्ट बिल्कुल पका है यहाँ पे देखिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसमें विसल लगा देंगे, ज़्यादा इसको हम पका देंगे, तो कटहल के जो हैं वो पीसेस जो हैं बिल्कुल सब्ज़ी में घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सब्ज़ी देखिए कि इसकी ग्रेवी से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमने मसाले यूज़ किए सब खड़े मसाले यूज़ किए, प्याज टमाटर सब कुछ हमने यहाँ पे खड़ा ही यूज़ किया, सच में सब्ज़ी जो है वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो इस तरीके से आप एक बार सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने सब्ज़ी सर्व की है वो हमने यहाँ पे बेसन की रोटी बनाई थी और साथ में है प्याज और टमाटर, तो इस तरीके से आप भी बनाइए। और जो कटहल की सब्ज़ी है वो बेसन की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, और यहाँ पर जो बेसन की रोटी है वो हमने हाथ से बनाई है, तो इसका भी हम वीडियो शेयर करेंगे जल्द ही। तो इस तरीके से कटहल की सब्ज़ी आप भी बनाइए, खाइए, इन्जॉय करिए। सच में कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और झटपट तरीके से बन भी गई थी। कटहल की सब्ज़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, क्योंकि कोई भी मसाले हमको पीसने नहीं पड़े, साबुत मसालों से ही इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो आप अगर इस तरीके से बनाएँगे तो सच में आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप बार बार ये तरीका अपनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, और जो फ्लेवर था सब्ज़ी का, जो सब्ज़ी का टेस्ट था वो इतना अच्छा था कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे। तो इस तरीके से एक बार ये सब्ज़ी ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जो हम ग्राइंड करके मसाला हम यूज़ करते हैं प्याज और लहसुन, तो उसको पकने में टाइम लगता है, और जो हम रफली चॉप्ड यूज़ करते हैं वो जल्दी से ही भुन जाते हैं। और तो इसलिए इस तरीके से आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, झटपट तरीके से बन जाती है और टेस्ट इतना अमेजिंग, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी कि आप यही तरीका अपनाएँगे। तो एक बार इस विधि से, इस तरीके से सब्ज़ी बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे और भी लोगों तक ये पहुँचे। और मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी पर डे आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।